अटिपिकल बॉलीवुड मूवी, सॉरी अटिपिकल करण जौहर मूवी विच लैंड्स ऑल राइट। इस टाइप के जॉनर के डॉन मिस्टर करण जौहर, जिन्होंने 7 साल के बाद कोई बॉलीवुड मूवी डायरेक्ट करी थी, डज नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। इस मूवी में आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, बहुत सारा फैमिली ड्रामा मिलेगा, ऑन द फेस कुछ सोशल मैसेजेस मिलेंगे, स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने वाले, और बहुत ही बेकार सॉन्ग्स मिलेंगे। या तो लेट स्टार्ट दिस रिव्यू। पहले हम बिना स्पॉइलर वाले सेक्शन पे बात करेंगे, फिर उसके बाद जब मैं स्पॉइलर वाले सेक्शन पे बात करूंगा तब मैं आपको पहले से नोटिफाई कर दूंगा, जिसके कारण आपको कोई स्पॉइलर्स नहीं मिलेगा। लेट स्टार्ट विद द नॉन स्पॉइलर सेक्शन। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये मूवी एक प्रॉपर आउट एंड आउट एंटरटेनर है, और इस मूवी के लेंथ के साथ में वैसे तो काफी स्पेक्टिकल था पहले कि मूवी की लेंथ एक्चुअली 2 hours and 50 minutes, जो कि बहुत ही बड़ी है। और इनफैक्ट मैंने मेरे दोस्त को भी बोला था कि इस मूवी में एटलीस्ट 5 गाने तो जरूर से होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी है। तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं, 5 नहीं 7 गाने होंगे। तो एक्चुअली जब हम गाने काउंट करने को बैठे मूवी देखते देखते, तो शायद से 7 के ऊपर ही नंबर हो गए थे, शायद 7 या 8 गाने हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा गाने हैं एंड एक भी गाना अच्छा नहीं है इसमें। वैसे हमें कुछ काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग तो नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल वाला लव एंगल देखने को मिलता है, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, फ्रेश था लेकिन आपको एक स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। और इस मूवी में वैसे काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड के रेफरेंसेस है। अब इनफैक्ट हमने ये काउंट करने के लिए भी बैठे थे, लेकिन इसके बारे में हम स्पॉइलर वाले सेक्शन में बताएंगे। तो इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुड के रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, और बॉलीवुड के पुराने कुछ गाने को एक अच्छा सा ओमाज हमें देखने को भी मिलता है। 3 जनरेशन के एक्टर्स का एक बड़ा सा एमलगमेशन करके एक स्टोरी को बनाया गया है, और कास्टिंग भी वैसे काफ़ी चालाकी से करी गई है मूवी की, क्योंकि आप देखो कि तीनों ही जनरेशन के कुछ ओजी एक्टर्स को लेके, ताकि तीनों ही जनरेशन के लोग ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स आ सके। वेरी स्मार्ट करण जौहर है। कॉमेडी काफ़ी है इस मूवी में, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में तो पूरा एक इमोशंस का भयंकर तूफान आ जाता है, सुनामी जाती है। तो मूवी के पहले हाफ में काफी कॉमेडी है, सेकंड वाले हाफ में बहुत ज्यादा इमोशंस है। आलिया भट्ट एज ऑलवेज डज अ फाइन जॉब विद हर एक्टिंग, और रणवीर सिंह, आई मीन ही वॉज टेलर मेड फॉर दिस रोल, आई रिपीट ही वॉज टेलर मेड फॉर दिस रोल। उसकी जो कॉमिक टाइमिंग है आराम से बैठती है, और रणवीर सिंह की एक्टिंग की तो रेंज को तो आपको पता ही है कि वो एक बहुत ही तगड़ा एक्टर है, और इसमें भी जो उसका इमोशनल सीन्स थे काफी इंपैक्टफुल थे, और जो बाकी की कास्ट थी उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एंड जरूर मूवीज का काफी प्रेडिक्टेबल ही होता है इन जनरल, पर व्हाट मैटर्स इज दैट कि वो एंड तक जाने की जर्नी में क्या ऑडियंसेस पूरे स्टोरी के साथ इन्वॉल्व होके मजा दे पाया आपको। मुझे तो काफी मजा आया, तो या गुड फॉर मी। और लास्ट में बात करेंगे हम सोशल मैसेजेस के, जो कि स्टीरियोटाइप्स को कुछ ब्रेक करने के लिए वो सोशल मैसेजेस एकदम फेस पे मार दे रहे थे। अब इसमें भी काफी क्वेश्चनेबल चीजें हुई थी स्टोरी में, लेकिन फिर भी उसे हमने इग्नोर कर दिया, ऑब्वियसली फॉर द स्टेक ऑफ द स्टोरी। बट हाँ, सोशल मैसेजेस काफी है मूवी में, और इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से स्पॉइलर वाले सेक्शन में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से ठीक है नॉन स्पॉइलर वाले सेक्शन के लिए इतना रिव्यू, तो चलिए बढ़ते हैं स्पॉइलर वाले सेक्शन की तरफ। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है, संभल के आगे बढ़ना। पहले तो मैं रेफरेंस की ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि इतने सारे रेफरेंस थे, बॉलीवुड के रेफरेंस हो गए, SRK के स्पेशल रेफरेंस हो गए, शायद से मैंने 7 SRK के अलग अलग रेफरेंसेस काउंट करे थे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ा ऑब्वियस वाला रेफरेंस था, जो शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं चला, कि जो जया बच्चन ने लाइन कही थी कि बस कह दिया ना, बस कह दिया, ये एक्चुअली कभी कुछ गम निगम में अमिताभ बच्चन वाला एक कितना बड़ा डायलॉग था, कितना बड़ा सेंसेशनल डायलॉग था वो, कि हाँ कह दिया ना, बस कह दिया। और वही अमिताभ बच्चन का डायलॉग यहाँ पे जया बच्चन ने मारा, और इट वॉज हिलेरियस। शबन आजमी और धर्मेंद्र की अगर स्टोरी की बात करें तो इट वॉज ऑफ बीट, बट फिर भी उन दोनों की केमिस्ट्री वॉज टू गुड, और वो एक अच्छी फ्रेश भी एक वोक तरीके से एक स्टोरी को देखने का भी नजरिया था, जो हम करण जौहर के मूवी से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स वाला लव भी इसमें होता है। और जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ वोक एंगल देने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में जो एक कॉन्स्टेंट वाला जो स्ट्रगल रहता है वुमेन्स के लिए, उसको भी अच्छे तरीके से टारगेट किया। लेकिन इस मूवी का सबसे लो पॉइंट मुझे लगा था वो उसके गाने, मतलब एक भी गाना अच्छा नहीं था, 7 या 8 गाने थे, एक भी अच्छा नहीं था, एक भी मेमोरेबल गाना नहीं है। कोई भी करण जौहर मूवी को पकड़ के चलो, हर एक गाने का एक गाना या 2 गाने तो भी आपको एटलीस्ट पता होगा, एटलीस्ट नाम तो पता होगा, और आपने डेफिनेटली सुने होंगे वो गाने, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जस्ट फ्रॉम अ म्यूजिक एल्बम पर्सपेक्टिव, दिस एल्बम रियली टैंक्स। और जैसे फैमिली ड्रामा वाली मूवी होती है, जो ऐसे लार्जर देन लाइफ वाली मूवी होते हैं, जो ऐसे रोमांटिक कॉमेडी वाली मूवी होती है, इसमें सॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, और जो इस मूवी में कंप्लीटली लैक कर रहा था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद स्टोरी अच्छे से कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो इसके कारण मूवी को अच्छा ही बोलना पड़ेगा। सो या ये थे मेरे कुछ थॉट्स इस मूवी के बारे में। मुझे कमेंट्स बताना कौन से थॉट्स के साथ आप एग्री करते थे, और अगर कोई पॉइंट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में आपके थॉट्स बताओ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।